अज हुन आए बाल सावन बीता। सुनिए। सुनाइए। छोटे मियाँ कहाँ हैं? वो तो गए नागपुर। लेकिन कल तो थे। लेकिन आज तो गए। कब आएंगे? कभी नहीं। क्यों? वो नागपुर में उनकी शादी थी ना। तो वो कानपुर के घर दामाद हो गए। ऐसा क्यों? वो जौनपुर के थे ना भाई। तो जौनपुर के लोग ऐसे होते हैं? वो तो जयपुर और उदयपुर वाले ही बता सकते हैं। अच्छा, तो मेरे कपड़े कौन सिएगा? मैं हूँ ना मदनपुरा का आपका मियाँ। मेरा मियाँ? मतलब कि आपके टेलर के वाले बड़े मियाँ। अच्छा, चलिए ठीक है, माप ले लीजिए। माप तो मैं आपका कभी से आँखों आँखों में ले चुका हूँ। क्या कहा? यकीन ना है तो मेरे हाथों से पूछिए, मेरी सांसों से पूछिए, अंधेरे में फैले उस रेशमी उजाले से पूछिए। अरे कैसा अंधेरा, कौन सा उजाला, कैसा मजाक कर रहे हैं? आप नहीं समझेंगी, आपके कपड़े तैयार हैं, जाइए जाकर आप ट्राई कर लीजिए। पता नहीं कैसे पागल से पाला पड़ा है। अरे राजा, तेरे बताए हुए नाप के हिसाब से मैंने सारी ड्रेसें बना दी, अगर एक इंच भी ऊपर नीचे हो गया तो ये मेरी दुकान ऊपर नीचे कर देगी। अबे घबरा मत यार, ऐसा कस के नाप लिया था मैंने लिफ्ट में, आज जाकर पूछूंगा ऊपर वाले से कि तूने मुझे दो चार हाथ और क्यों नहीं दिए नाप लेने के लिए। ये लो पकड़ो, ये भी लो। ये तेल मैंने गांव से मंगाया है। आपके हड्डियों में से कड़कर की आवाजें आती है ना, आवाज और हड्डियां दोनों गायब हो जाएंगी। क्या मतलब है? मेरा मतलब है आवाज और दर्द दोनों गायब हो जाएंगे। ये तेल पहले किसी पे आजमाया कि डायरेक्ट मुझे पे आजमा रहा है? नहीं नहीं, आजमाया ना। हमारे गांव में एक आवारा सांड था, उसको गांव वालों ने मिलकर पीटा, हमने उस पे आजमाया, सांड ही गायब हो गया। क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब जिस गांव से आया था ना, उस गांव वापस चला गया। तो मैं अलीबाग से हूं, तो क्या मैं वापस अलीबाग चला जाऊंगा? बिल्कुल बिल्कुल, यहां रहकर कब तक पिटते रहेंगे? चल, मैं इस ढाबे वाले को नहीं छोड़ूंगा, उससे निबटने के लिए मैंने पूरी पुलिस फोर्स बुलाई है, अभी आती होगी। गुड मॉर्निंग सर। आइए आइए। इंस्पेक्टर अजगर सिंह रिपोर्टिंग। वेलकम सर। थैंक यू। सेठ जी, ये घड़ी तो बड़ी खूबसूरत है, स्विट्जरलैंड की है। सर आप ये ढाबा गिरवा दीजिए, ये क्या मैं आपको 10 घड़ियां लाके दे दूंगा। फिलहाल मैं इसको रख लेता हूँ, 9 और मंगवा दीजिएगा। लवली लवली लवली, अरे बड़ा खूबसूरत चश्मा है, इटालियन कंपनी का लगता है। अरे सर ये क्या है, आप जरा वो ढाबा गिरवा दीजिए, मैं आपको 10 चश्मे मंगवा दूंगा। आज फिलहाल मैं इसको रख लेता हूँ, 9 और मंगवा दीजिएगा। अच्छा? ये तो अली बाबा 40 चोर का बाप लगता है, आते ही लूट मार शुरू कर दी। अरे छोड़ना यार, वो ढाबा गिराने के लिए लूटने तो क्या, मैं मिटने को भी तैयार हूँ। चले सर। हाँ हाँ चले, इसको बाद में देखते हैं, कहाँ है वो ढाबे वाला, उसने बहुत तंग किया मुझको, आज उसको पकड़ लीजिए सर। हाँ फिकर मत की मेरे। hey! किधर है वो गुंडा, ये क्या है? hey! बिना लाइसेंस के दारू बेचता है। साहब ये दारू वालों ने पानी है। Shut up! ये वो दारू है जिसको पीकर सूरत में 15, आंध्र प्रदेश में 20 और उत्तर प्रदेश में 25 आदमी मर गए। ऐसे कैसे साहब? अरे लगाओ हथकड़ी साले को। अरे क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ी पकड़ना है, दारू वाले को पकड़ने चला है, बड़े वाले गुंडे को पकड़ो ना। तो ये वो नहीं है? हे किधर है बड़ा गुंडा, बुलाओ उसको, बुलाओ। देखा आपने कैसे हिल गया? राजा भैया बाहर पुलिस आई है। बाहर आओ ढाबे वाले। चलो चलते। राजा भैया पहले दाढ़ी तो बना लियो। पहले इनकी हजामत कर दूं, बाद में अपनी दाढ़ी बनाता हूँ। आओ। कहिए इंस्पेक्टर साहब, क्या चक्कर है? ये वो ढाबे वाला। अच्छा, शेविंग क्रीम लगा के आया है ताकि चुपके से निकल सके। चुपके से कौन निकलेगा, ये तो क्रीम निकलने के बाद ही पता लगे। शट अप, इस शहर में मेरा ये पहला केस है, आखिरी भी हो सकता। अरे चुप, देखता हूँ तुम कितने बड़े गुंडे हो। हवलदार गिरफ्तार कर लो इसको। अरेस्ट हिम। एक मिनट, गिरफ्तार करने से पहले क्रीम तो निकाल ले दो। हाँ निकाल लो। रुमाल है आपके पास? रुमाल है आपके पास? रुमाल भी मेरे लेंगे, अपना निकालो ना। पहली बार किसी को अपना रुमाल देना पड़ रहा है। रुमाल ला पकड़। ये शेविंग क्रीम लगा के मुझे उल्लू बना रहा है। अरे मैंने बड़े बड़ों को पकड़ा है साहब, ये चीज क्या है? सही बोल रहे हैं। झूठ बोलेंगे। चलिए इंस्पेक्टर साहब। अबे तू,
अरे इसे क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे में क्या है जिसको देखकर वो तूफान मेल की तरह भाग गया? ये अंदर की बात है सेठ, जिस दिन आपको ये राज मालूम पड़ेगा ना, आप भी इसी तरह दुम दबाकर भाग जाओगे। मेरा नाम के सिंघानिया है बच्चे, मेरे सामने बड़े बड़े तुर्रम खान नहीं टिक सके तो तू कौन से खेत का बैंगन? बैंगन नहीं मूली, मिसाल टिक से दिया करो। हाँ वही मूली सेठ, ऐसी मूली हूँ ना मैं, खाओगे तो नाक मुंह का नाक और यहाँ वहाँ सब जगह से पानी पानी निकलेगा। मैं मूली खाता ही नहीं हूँ, समझ गया? डैडी, डैडी ये है राहुल, मेरे लाइफ पार्टनर और आपके वुड बी सन इन लॉ। तो आप हैं जिसने मेरी बेटी को बस में कर रखा है? इन्होंने मुझे अपने बस में नहीं किया, मैंने इनको अपने बस में किया है। अरे सब कुछ तू ही बोलती रहेगी या इन्हें भी कुछ बोलने देगी? राहुल बहुत ही शर्मीला लड़का है माँ। अच्छा आइए शर्मिले साहब बैठिए। थैंक यू। और प्रखुरदार करते क्या हो? केमिकल प्लांट लगाना चाहता हूँ। केमिकल प्लांट? जी हाँ। तजुर्बा है उसका? बिजनेस मैनेजमेंट किया है मैंने। अच्छा बिजनेस मैनेजमेंट किया है। मैनेजमेंट यानी कि मेरी नौकरी खतरे में? आपने नया मैनेजर रख लिया क्या? शट अप इडियट, कुछ भी बोलते थे सॉरी। सेठ जी ये तो घर में भी काला चश्मा पहने हुए हैं, देखिए कहीं अंधा खाना तो नहीं, फिजिकल हैंडीकैप तो नहीं है? माँ चेक 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 चेक। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत ही अच्छा है। ये लीजिए, निकाल दिया काला चश्मा। देखो राहुल तुम मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। राहुल तुम्हारे लिए मैंने अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, यहाँ तक कि अपना घर बार तक छोड़ दिया। राहुल अब तुझमें रखा ही क्या है? तेरे बाप ने तुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है और जो तू पैसे साथ में लाई थी वो तो खत्म हो गए। राहुल मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो क्या हुआ, तुझसे पहले भी बहुत लड़की आई है, माँ बनकर बच्चे को लेकर चली गई। अगर मैं हर बच्चे को अपना नाम दे दूं तो मुझे तो अनाथ आश्रम खोलना पड़ेगा, समझ गई? राहुल, राहुल, तुम अगर मुझे छोड़ के चले गए तो मैं जी नहीं पाऊंगी। राहुल तो प्रॉब्लम क्या है, मर जाओ, कर लो आत्महत्या। क्या कई लड़कियों ने यही रास्ता अपनाया है? इसका मतलब भोली भाली लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलना कि तुम्हारा पेशा है राहुल? जी हाँ समझ गई आप, यही है मेरा पेशा। अरे डैडी कहाँ खो गए आप? राहुल को पहली दफे जो भी देखता है यूं ही खो जाता है, और जो दूसरी बार देखता है वो? आपने इससे पहले कहीं देखा है इसको? इसकी आंख में लपड़े का बाल दिख रहा है मुझे। शट अप फूल। बेटी इनके लिए खाना लगवा दो। जी नहीं आंटी, आज मंगलवार है ना, मंगल और शनि को मैं उपवास रखता हूँ। बड़े धार्मिक हो हैं? जी अंकल, किरण मुझे खींच लाई वरना मैं पूजा किए बगैर घर से बाहर नहीं निकलता, चाहे करोड़ों का नुकसान क्यों ना हो जाए। अच्छा अंकल नमस्ते। अच्छा नमस्ते भाई। दी 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 दी, मैं आपके लिए ऑटो मंगाऊं? जी नहीं, मेरे पास गाड़ी है। आपकी अपनी है? जी हाँ। वेरी गुड, मुझे होटल तक ले देंगे प्लीज? आइए। शुक्रिया। लड़का कैसा लगा आपको? एक नंबर का आवारा, बदमाश और बच्चलन किस्म का लड़का है। ये क्या कह रहे हैं आप डैडी? अमीर लड़कियों को फांसना, उनको शादी के सपने दिखाना, बाद में उनकी इज्जत और दौलत को लूटना, ये उसका पुराना पेशा है। राहुल पर इल्जाम लगा रहे हैं आप? इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। मैंने अपनी आँखों से देखा है, अपने कानों से सुना है। उस बेबस लड़की का गिड़गिड़ाना जो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी और बाद में जिसने आत्महत्या कर ली। मैं नहीं मानती, क्या सबूत है आपके पास? मैं तेरा बाप हूँ, अब मुझे सबूत देना होगा तुझे। समझ गई, समाज और सोसाइटी में अपना स्टेटस ऊंचा रखने के लिए आप मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे के साथ कराना चाहते हैं? तुझे मेरे दोस्त के बेटे से शादी नहीं करनी है, मत कर। तू रास्ते से किसी भिखारी को पकड़ ला, मेरे किसी दुश्मन को पकड़ ला, उसके साथ मैं तेरी शादी करा दूंगा, मगर इस मक्कार के साथ कभी नहीं, नेवर। और अगर आपने फिर भी इनकार कर दिया तो फिर जो तेरी मर्जी में है वो करना, मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगा। इट्स अ प्रॉमिस। काम करो रे। हाँ सफर होना चाहिए।
फैमिली रूम बना रहे हैं। फैमिली रूम वो काय के लिए? अरे शादी करके बीवी लाएंगे तो आपके होटल में रखेंगे क्या? अबे मैं तेरा ढाबा गिराने के चक्कर में तू फैमिली रूम बना रहा है? अरे आप किस चक्कर में, उससे हमको क्या फर्क पड़ता है? सेठ जी आप समझते नहीं है, आपकी हमारी ताजी ताजी दुश्मनी हुई है। अभी दुश्मनी बरकरार रखने के लिए बच्चे तो होना चाहिए ना। आज आपके हमारे बीच में, कल बच्चों के बीच मारामारी होगी, फिर उनके बच्चों के बच्चों के बीच मारामारी होगी। अभी सब चलता रहेगा, आप नहीं समझेंगे, आप बच्चे हैं। बेटा तेरे को बहुत चर्बी चढ़ गई है। मैंने भी म्यूनिसिपल कमिश्नर को फोन करके तेरा ये फैमिली रूम और ये ढाबा नहीं गिरा दिया तो मेरा भी मेरा भी क्या नाम भूल गया क्या अपना ही? अबे के सिंघानिया, नाम नहीं हो गया इधर। हाँ मालूम है। आइए तोड़नार साहब। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। यही है वो ढाबा? जी हाँ यही है, मखमल में टाट का पैबंद, मेरे फाइव स्टार होटल में ग्रहण। अच्छा, ओए प्याज के छिलके इधर आ, इधर आ। देख 5 मिनट के अंदर ये ढाबा खाली कर, वरना बुलडोजर चला देंगे और नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद होगे। अरे साहब ये क्या करने जा रहे हैं, हमारा साहब आएगा तो लफड़ा कर देगा। क्या रे, तेरा साहब कोई कलेक्टर है, कमिश्नर है कि मिनिस्टर है जो लफड़ा कर देगा? देख एक तो ये ढाबा बनाया, ऊपर से इलीगल माला चढ़ा रहे हो, ये गैर कानूनी है, टूटना चाहिए। hey! इस देश में बहुत कुछ गैर कानूनी है, तो सबको का तोड़ते रहोगे? आए ऑर्डर मिलता है ना तो सब कुछ टूटता है। अरे दूसरे की जगह पर तुमने ये ढाबा बनाया, तुम्हारा राज चल रहा है क्या? राज तो सरकार का भी बराबर नहीं चल रहा है, बार बार बदलती रहती है, तो हमारा कैसे चलेगा? लेकिन आज ये सरकारी बुलडोजर चलेगा, मतलब चलेगा। hey, चला रे। hey! एक फोन लगाएगा। फोन? हाँ, इसके पास फोन भी है, 3-3 लाइन भी है। हा? इनके ढाबे में जितने रहते हैं ना, वो हमारे 5 स्टार से फोन लगाते हैं। अबे तेरी तो अरे छोड़ो इसे, वो गला दबा दिया। हेलो, हम मंत्री कालू प्रसाद बोल रहे हैं। कौन कालू? हाँ मौसा जी, चरणों में प्रणाम स्वीकारी है। अरे प्रणाम रे, कैसा है तू? अरे कहाँ पता, बहुत संकट में है। कहाँ पता है? अरे हमने आपको बताया था ना, वो यहाँ पर मुझे 5 स्टार का प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ तो वो 5 स्टार का मालिक जो है यहाँ पर बुलडोजर लेकर आया है हमारा ढाबा गिराने के लिए। अरे क्या बात करता है रे मुन्ना, अरे कोई तोरा ढाबा गिरा देगा तब हम दिल्ली में सरकार नहीं गिरा दूंगा। बात करता है, अरे कौन अफसर है, फोन दे दे ससुरा के। हम फोन धरा रहे हैं मौसा जी, आप इनसे बात कीजिए। बात कीजिए भाई, आप बात कीजिए। नहीं नहीं हाँ मौसा जी, ये लोग फोन धरने के लिए परेशान हो रहा है, हमने स्पीकर ऑन किया हुआ है, आप इनको बोल दीजिए फोन पे। ए अफसर कान खोल के सुन ले, हम बोल रहा हूँ किंग माकर, अगर हमारा मुन्ना का ढाबा तोड़ दिया ना तो साला याद रख, हम तुम्हारा कुर्सी तोड़ दूंगा रे। नहीं 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 तोड़ेंगे। अरे मान रहा कि नहीं रे वो? अरे माने कैसे नहीं, उसकी खोपड़िया से बहता हुआ पसीना साफ साफ कह रहा है कि ससुराल मान गवा है। अरे वो सेठ का बोलेगा, उसका तो खुद का 5 स्टार का ऊपर का 2 माला साला गैर कानूनी है, वो तो कोई नहीं तोड़ता। अरे हम तोड़ेंगे रे। ए अफसर, ये जो होटल के नीचे का 2 फ्लोर है ना, वो जल्दी गिरा दो, चलो। अरे नीचे का माला गिराएंगे तो ऊपर के सारे माले गिर जाएगी साहब। हाँ तो ठीक है मौसा जी, ऊपर का ही 2 गिरवा दीजिए। हाँ तो ऐसा करो, ऊपर का गिरा दो जल्दी। अच्छा मौसा जी, जा बजरंग बली तोड़ डालो, वरना मौसा जी को बोल डालेंगे। नहीं नहीं वो तुमको फोड़ डालेंगे। नहीं नहीं कहाँ समझते हो बिहार को। नहीं कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ ना। अबे भास्कर, बुलडोजर का मुंह उस तरफ मोड़ दो, ऊपर के 2 माले तोड़ने, चलो। पहला वाला तोड़ो पहला। क्या सेठ जी कैसी रही? वो तो बेटा आने वाला वक्त ही बताएगा कि कैसी रही। अब तक तो सिर्फ मजाक हो रहा था, लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद इस दुनिया में अगर कोई मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो तू है। तुझे मेरे दोस्त के बेटे से शादी नहीं करनी है, मत कर। तू रास्ते से किसी भिखारी को पकड़ ला, मेरे किसी दुश्मन को पकड़ ला, उसके साथ मैं तेरी शादी करा दूंगा, मगर इस मकार के साथ कभी नहीं, नेवर। और अगर आपने फिर भी इनकार कर दिया तो फिर जो तेरी मर्जी में है वो करना, मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगा। इट्स अ प्रॉमिस।